तो गाइस आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ टेप लगा रही हूँ, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो बिगनर्स हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं है आई शेडो आईलाइनर के लिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। गाइस सबसे पहले मैं अपनी आई लीड पर अपना कंसीलर लगा रही हूँ, तो कंसीलर मैंने आपको दिखा दिया है, मैबलिन का फिट मी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। आप अपना जो कंसीलर है उसको अप्लाई करें, तो जो कंसीलर अप्लाई करने से क्या होता है, हमारी इवन स्किन हो जाती है, तो कोई भी आई शेडो हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छा लुक उसका आता है। तो मैं अच्छी तरह इसको लगा के अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर अपना कंसीलर मैं सेट करूँगी, उसके लिए भी मैंने मैबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। तो हम ये ऐसे इसलिए करते हैं कि कोई लाइन हमारी क्रिएट ना करे। कंसीलर के बाद आप कोई भी लूज पाउडर कॉम्पैक्ट से अपने कंसीलर सेट करें। तो गाइस पाउडर सेट करने के बाद यहाँ पर मैं ब्यूटी ग्लेस की पैलेट से कलर उठा रही हूँ। तो गाइस मुझे पता नहीं आपको ये शेड रेड दिख रहा होगा, मगर ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज यहाँ पर मैं क्रीज लाइन पे पहले अपना ये कलर अप्लाई करूँगी आउटर वी से और क्रीज लाइन पे, अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आउटर वी पे भी मैं इसको ले रही हूँ, और बहुत लाइट कलर ही मैंने उठाया, अच्छी तरह ब्लेंड किया है, क्योंकि हमारा एवरीडे आई शेडो है तो हम इसको ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते, तो ब्लेंड भी बहुत अच्छी तरह करना है इसको। तो गाइज अब मिडिल लीड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो ग्लिटर मैं अप्लाई करूँगी, वाइट शेड लूँगी। एवरीडे मेकअप में मुझे डार्क नहीं दिखाना, तो फिंगर्स ही मैं इसको अपने मिडिल आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, इससे अच्छी तरह ये ब्लेंड भी हो जाएगा और बहुत एक सटल सा नेचुरल लुक देगा एवरीडे में, क्योंकि हम ये आई शेडो जो कर रहे हैं ऑफिस के लिए कर रहे हैं, कॉलेज के लिए कर रहे हैं, एवरीडे के लिए कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा डार्क इसको नहीं दिखाना। तो गाइज़ आप देख सकते हैं फिंगर से मैंने कितना ईजिली इसको ब्लेंड कर लिए हैं, और बहुत ही एक अच्छा लुक आ रहा है, एक नेचुरल सा लुक आ रहा है। तो गाइज इसके बाद मैं अपना जेल आईलाइनर स्विस ब्यूटी का अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो काजल भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर मैं बहुत हल्की सी ही आईलाइनर अप्लाई करूँगी, ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और आईज़ पे बहुत अच्छा लुक भी देगा। तो गाइस मैं इसमें हल्का सा विंग्स भी निकालूंगी, ये टोटली आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसको आईलाइनर अपना लगाना चाहते हैं, तो हल्का से ही मैंने लिया है, और आईलाइनर अपना बोल्ड नहीं लगाऊंगी, बहुत ही लाइट लगाऊंगी कि हमारी एक आईज़ में एक अच्छा सा लुक आ जाए बस। तो गाइज इसके बाद मैं लैशेस कर्लर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर मशकारा भी करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा, मेरे पास था तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो गाइज जो मैंने अपनी क्रीज लाइन पे कलर उठाया था ऑरेंज, वही लाइट मैंने ब्रश में लिया है, हल्का सा नीचे अप्लाई कर रही हूँ ब्लेंड करते हुए, ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट इफेक्ट आना चाहिए ताकि हमारे आईज़ का बहुत अच्छा सा लुक आ जाए।
तो गाइस यहाँ पर मैं अब मश्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मश्कारा मेरा मिलाप का है, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, पहले हम नीचे की तरफ आईलैशेस इसलिए करते हैं कि जो हम आई शेडो अप्लाई करते हैं हमारे आईलैशेस पर फॉल आउट हो जाता है, तो उसको हमें ठीक करना होता है। फिर अपवर्ड हमें करना होता है और नीचे की आईलैशेस को इस तरह से करना होता है। तो मश्कारा लगाने का ये तरीका है। गाइस सबसे लास्ट में मैंने ये रिवॉल्यूशन की पैलेट है, इसमें मेरा वाइट आई शेडो था उसको लिया है, सिर्फ इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट देने के लिए। आप हाइलाइटर भी लगा सकते हैं मगर मैंने सिर्फ वाइट आई शेडो लिया, थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट आ जाए अच्छा सा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आया है, कोई मतलब देखने से ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत हैवी हमने आई शेडो मेकअप किया, बहुत लाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप इजीली बहुत आसानी से टाइम टेकिंग में अपना आई शेडो एवरीडे में क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को तो हिट करना ना ही भूलें, ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट आपको गाइस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।